संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज फाइनल परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस परीक्षा में जयपुर के रहने वाले कनिष्क कटारिया ने पहला स्थान हासिल किया है। यूपीएससी की इस अहम परीक्षा को पास करने से पहले कटारिया आईआईटी में भी पढ़ाई कर चुके हैं। 26 साल के कनिष्क कटारिया आईआईटी मुंबई से पढ़ाई कर चुके हैं। आईआईटी से पढ़ाई के बाद कनिष्क ने दक्षिण कोरिया और बेंगलुरु में नौकरी की है। उसके बाद साल 2017 मार्च में वो जयपुर चले गए और सिविल सर्विसेज की परीक्षा में जुट गए। मैथ सब्जेक्ट से आईएएस करने वाले कनिष्क ने आईआईटी मुंबई से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की थी। कनिष्क कटारिया ने बताया है कि आईआईटी मुंबई से पढ़ाई करने के बाद सोच रहे थे कि विदेश में नौकरी किया जाए, इसलिए बाहर गए थे। लेकिन बाहर जाकर देखा तो पता चला कि अपना देश सबसे अच्छा है और यहाँ पर रहकर हम बेहतर ढंग से लोगों की सेवा कर सकते हैं। आपको बता दें कि कनिष्क कटारिया ने पहले अटेम्प्ट में ही यूपीएससी में टॉप किया है। कनिष्क के अनुसार घर में प्रशासनिक सेवा का माहौल था, उनके ताऊजी भी आईएएस हैं। कनिष्क का कहना है कि ऐसे में लगा कि आईएएस बनकर हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने सिविल सर्विसेज की पढ़ाई के लिए कोचिंग भी नहीं की थी और सेल्फ स्टडी के दम पर यह मुकाम हासिल किया है।